पापा जा रहे हैं पापा को बाय करने, बाय पापा को छोड़ने जा रहे हैं हम एयरपोर्ट। ठंड काफ़ी हो रही है, ठंड फील हो रही है यहाँ पे, और मैंने अपना गिटार ले लिया है, पासपोर्ट इसमें है, सामने बैग है मेरा पापा के पास। पता नहीं मैड्रिड में कितना टेम्परेचर हो रहा होगा इस वक्त, कल मैंने चेक किया था तो मैड्रिड में -1 degree टेम्परेचर था और यहाँ पे न्यू दिल्ली में 8 degree कम से कम, मतलब 8 degree टेम्परेचर था। सो वीज़ा मिल गया स्पेन का फाइनली, अब गोइंग टू दिल्ली टू मैड्रिड, एयर इंडिया 135 डायरेक्ट फ्लाइट है, सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है एज़ कम्पेयर टू अदर्स, और कोई स्टॉपेज भी नहीं है जो कि डायरेक्ट है, और कुछ नहीं देखते हैं आगे। पावर बैंक, ई सिगरेट्स, लाइटर, कोकोनट, मोबाइल फ़ोन, स्पेयर बैटरीज, पार्टी पॉपर्स और स्केटबोर्ड, समथिंग लाइक दिस सेगवे। सो यहाँ पे मेरे को पसीने आ रहे हैं, जैसा कि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एयर इंडिया में आप 42 kg तक अलाउड हैं अगर आप दिल्ली टू मैड्रिड जा रहे हैं, बट द थिंग वॉज कि मैंने एक ही बैग में सब कुछ भर दिया था जिस लिए मुझे रोका गया, और फिर मुझे एक नया बैग ख़रीदना पड़ा वर्थ ₹7,000 जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं मेरे लिए, इट्स लाइक 100 euros आई हैव टू पे एक नए बैग के लिए। बट उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, आपको या तो 150 euro पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ या तो आप एक नया बैग ले लीजिए। सो मैंने सोचा न्यू बैग ही ले लेते हैं, आगे जाके फ्यूचर में काम आएगा। सो आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आप दिल्ली टू मैड्रिड जा रहे हैं तो एयर इंडिया का रूल है कि 2 bags कम से कम ले जाने हैं आपको, एक बैग में ज़्यादा से ज़्यादा 24 kg हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। सो अभी मैं बोर्डिंग पास सब कुछ ले चुका हूँ, अभी मैं अंदर जा रहा हूँ चेकिंग के बाद। सो लेट्स सी क्या। खाली पड़ी है पूरी फ्लाइट, और लगता है सबसे पहले मैं ही आ गया हूँ। सो आई एम इन माय फ्लाइट, और काफ़ी वो लगनी पड़ी, गिटार लाने दिए इन्होंने अंदर, एयर इंडिया में आप गिटार लेके आ सकते हैं, आप लैपटॉप लेके आ सकते हैं, PS4 भी आप चाहें तो लेके आ सकते हैं। ये मेरा लगेज है, फाइनली आई एम इन साइड द प्लेन, और ये मेरी विंडो सीट है एयर इंडिया डायरेक्ट फ्लाइट दिल्ली टू मैड्रिड। अब मैं ये लगेज ऊपर रख देता हूँ बिकॉज बहुत भारी है, सो आई विल बी पुटिंग दिस लगेज अपसाइड। इससे पहले मैं लैपटॉप रख लेता हूँ अपने अंदर, ये मैंने अंदर रख दिया है और इसको बंद कर। दिस इज माय सीट, आई एम इनसाइड द प्लेन, एंड दिस इज माय पासपोर्ट एंड देन टिकट्स। मैं अब आप लोगों को बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ फाइनली। सो पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, एयर इंडिया में आप 2 bags लगेजेस ले जा सकते हैं 23 kg के, बट आप एक बैग में 36 kg इकट्ठा नहीं ले जा सकते। उसकी वजह से उन्होंने मेरे को बोला या तो आप 150 euro पे करो या तो आप नया बैग ख़रीद लो। तो मैंने सोचा कि दुकान पे जाके जल्दी से नया बैग ले लेता हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी एयरपोर्ट पे। तो मेरे को जो बैग पड़ा वो पड़ा 7,000 का, और जो उन्होंने अमाउंट मांगा था वो 12,000 मांगा था, तो अब 12,000 तो मुश्किल था देना। सो मैंने सोचा क्यों ना एक बैग ले लिया जाए जो मैं फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने एक बैग ले लिया 7,000 का। फिर मैंने सारा सामान, आधा सामान 10 trucks 10 kg उसमें से दूसरे में डाला। अब उसके बाद मुश्किल से भागता भागता गेट नंबर 10 से एंट्री करिए,
अगर मैं लाइन में लगा रहता तो आज मेरी फ़्लाइट छूट जाती 110% मेरी फ़्लाइट छूट जाती। काफ़ी भाग भाग के अंदर आया हूँ, इट वॉज़ वेरी टफ। बाकी मैं ये मेरी 36J सीट है, यहाँ पर और भी सीट्स हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। इट वॉज़ क्वाइट फन बट रिस्की। सो अब फ्लाइट अप्रॉक्स 8 बजे वहाँ पहुँचेगी, 7:30 बजे वहाँ पहुँचेगी इंडियन टाइमिंग से, और इंडिया में हो रहे होंगे 12:30 रात के, 12:30 बजे होंगे। सो मेरे को लगा आप लोगों को ये बात बतानी ज़रूरी थी। फिर वहाँ पे जो लड़की जिसने मेरे को बोर्डिंग पास दिया उसने मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी बताई है कि आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपका लगेज एक्स्ट्रा हो जाता है तो आप वहाँ पे जो भी सामान है, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो निकाल के आप उसको रैप करा सकते हैं विद इन 350 रुपीज़। वो मुझे पता नहीं था, वरना मैं अपना सामान निकाल के जो जो मैं यूज़ नहीं करने वाला था वो मैं अपना रैप करवा लेता, जिससे कि मुझे 7,000 रुपीज़ ना पे करने पड़ते और मुझे 350 में काम हो जाता। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए एक सलाह है कि आप अगर फ्यूचर में फ्लाई करते हैं दिल्ली टू मैड्रिड तो ये इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि लगेज जो है आपका, अगर आप एयर इंडिया से फ्लाइट से जा रहे हैं, बिकॉज एयर इंडिया सबसे चीपेस्ट फ्लाइट है, डायरेक्ट है दिल्ली टू मैड्रिड, एक ही फ़्लाइट है जो जाती है, ये TTS में चलती है, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे उड़ती है। सो इट वॉज़ वेरी रिस्की टास्क टू मी टू रीच दिस एयरप्लेन ऑन द टाइम, बट मैं पहुँच गया जैसे तैसे। से और 9:15 फ्लाइट 1 घंटा लेट है।
यहाँ पे अगर आप पार्किंग करते हैं तो आपको पे करना पड़ता है। यहाँ मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स लगी हैं जिसमें आप अपनी स्लिप डालते हैं, उस जितने टाइम का वो होता है उस टाइम से हिसाब से ये लोग आपको बता देते हैं कि कितने कितने आपको पे करने हैं। मेरे ख्याल से आधे घंटे के कुछ 10 यूरो के आसपास है, काफ़ी महंगा है, 800 रुपये। 8 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है,